दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए व्यापारियों को ऑड इवन पर दुकानें खोलने के जो निर्देश दिए उनसे व्यापारी वर्ग बहुत नाराज है। इसी के चलते आज व्यापारियों ने अपना विरोध जताया। व्यापारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने शनिवार और रविवार को कर्फ्यू की घोषणा की है, साथ में बाकी बचे दिनों में सम विषम की तर्ज पर दुकानें खोलने के लिए कहा है। एक महीने में केवल 10 दिन दुकानें खुलेंगी, जबकि हमारा किराया पूरे महीने का लगेगा, बैंक का ब्याज पूरे महीने का लगेगा, बिजली के मीटरों के फिक्स चार्ज पूरे महीने के लगेंगे, हर प्रकार का सरकारी खर्चा पूरे महीने का चार्ज होगा, जो व्यापारियों के साथ अन्याय है। हमारी सरकार से मांग है कि सम विषम को समाप्त करके पांचों दिन फुल टाइम दुकानों को खोलने की इजाजत दे। हम कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती से पालन करेंगे। सरकार हमसे बिजली के मीटरों के फिक्स चार्जेस ना ले और अन्य प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिए राहत पैकेज दे। दिल्ली सरकार ने इसके विषय में कुछ नहीं कहा। हमारी मांग है कि दिल्ली सरकार व्यापारियों के नुकसान की भरपाई के लिए कोई राहत पैकेज दे। इसका उद्देश्य जो था हमारा, मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि हम कोरोना की DDME गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और सख्ती से करेंगे भी। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि हमारे पास दोहरी मार पड़ रही है। नंबर वन, आपने वीकेंड पे कर्फ्यू लगा दिया सैटरडे संडे का। नंबर दो, आपने ऑड इवन कर दिया। हमारी मांग ये है कि आप एक तरफ चलें, या तो आप सैटरडे संडे का कर्फ्यू लगा दें या ऑड इवन लगा दें। दोनों काम करने से व्यापारी बहुत भारी नुकसान में आ गया है और व्यापार जो है बिल्कुल खत्म और ना के बराबर हो गया है। देखा जाए तो देखिए, व्यापारी जो पिछले लॉकडाउन में था बड़ी आर्थिक मंदी की स्थिति में आ गया था और बड़े उसके जो आर्थिक हालात थे वो खराब हो गए थे। उस खराब हालात से अभी थोड़ा थोड़ा संभला ही था कि ये जो है ओमिक्रॉन कोरोना की वजह से व्यापारी फिर ये लॉकडाउन होना और ये ऑड इवन की वजह से फिर जो है आर्थिक संकट में आके फंस गया है, जिसकी वजह से आज हमने कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि हमें इस आर्थिक संकट में निकालने के लिए सरकार जो है वो चाहे केंद्र की सरकार है या दिल्ली की सरकार है, हमें कुछ ना कुछ व्यापारियों को रिलीफ दे, जिससे कि हम अपना जो है जैसे EMI हमने पे करनी है, बैंक इंटरेस्ट हमारे पे करने हैं, जैसे कि हमारा बिजली का फिक्स चार्ज का खर्चा है वो हमारे देना है, और जो हमें अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह है वो हमें पूरी देनी है। ये सारे खर्चे हमारे पास उसी के तरह ही हैं बच्चों, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ राहत पैकेज चाहिए। और एक काम करें, या ऑड इवन लगाएं या वीकेंड कर्फ्यू करें। कोशिश ये है कि पहले ये ऑड एंड इवन पर बाजार खुल रहे थे तो हमारे को एक महीने में 15-16 दिन काम करने को मिल रहे थे, लेकिन अब सरकार ने जो नया आदेश पारित किया है उसके हिसाब से वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया और ऑड एंड इवन भी लगा दिया, यानी कि एक महीने में मात्र 9 दिन काम करने के लिए मिलेंगे, 9 या 10 दिन। तो हमारी ये मांग है सरकार से, या तो वो वीकेंड कर्फ्यू हटा लें, ऑड एंड इवन जैसे चल रहा था वैसे चलाएं, अगर उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है तो ऑड एंड इवन हटा लें, कम से कम एक सप्ताह में 5 दिन काम करने का अवसर मिले, ये हमारी मांग है। कि सरकार पिछले लॉकडाउन के बाद व्यापार पूरी तरह से तबाह हो गए थे, लेकिन बहुत कष्ट के साथ हम लोगों ने अपने बाजारों को संभाला। उस समय केंद्र सरकार ने बैंकों के माध्यम से कुछ राहतें व्यापारियों को दी थी, EMI के अंदर भी कुछ 6 महीने की EMI बढ़ा दी थी उसका, लेकिन ब्याज लिया था। हमारी आज की चिंता ये है कि हम काम करेंगे 10 दिन और ब्याज देंगे एक महीने का, और जिन लोगों की सीजनल आइटम्स हैं, जिन्होंने लाखों रुपया सीजनल आइटमों पर लगा रखा है, अगर उनकी दुकानें ही नहीं खुलेंगी, महीने में 10 दिन खुलेंगी, उनका माल ही नहीं बिकेगा, उनका तो 3 गुना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ये हमारा कहना है। दुकानें नहीं खुलेंगी तो हमारा माल रुक जाएगा, सीजन वालों का माल खराब हो जाएगा, और आम दुकानदार जब काम ही 10 दिन करेगा तो वो तनख्वाह कहाँ से देगा। दिल्ली से BCN न्यूज़ के लिए संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।